तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो और एक टिप्स फॉलो करने का है। एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन है थोड़ी थोड़ी टिप्स के साथ। क्या हुआ, चूल्हे पे रसोई हो गया, चूल्हे का जो बर्तन काला बर्तन वो साफ करना हो गया, वो टिप्स मैंने बता दिया। अब क्या बचा, अब बचा चूल्हा जिसमें हम खाना बनाए थे, उसे कैसे साफ़ करना है। हमारी मान्यता ये है, आपको हमेशा चूल्हे का जो राख है उसको साफ़ करके रखना चाहिए, चूल्हे को अच्छी तरह से लीपा पोछा करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है, लक्ष्मी जी खुश होते हैं। और मान्यता ये है कि गुरुवार को हमारे जो चूल्हे का बांस मतलब राख उसको निकाल देना चाहिए, साफ़ करके रखना चाहिए। ये मान्यता सदियों से है, उड़िया में तो बहुत ज़्यादा है तो कभी नहीं रखते। अगर कोई देख लेगा कि चूल्हे में बांस है गुरुवार के दिन यानी कि राख है, वो हो गया, आपको सुनना पड़ेगा। तो ये कीजिए, ये मान्यता भी एक अच्छी बात है क्योंकि हर चीज़ आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे क्या होता है, घर साफ़ रहता है, आंगन साफ़ रहता है और इन्फेक्शन नहीं होते, जो इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ के वजह से। तो आइए देखते हैं, अगर आप चूल्हा रखते हैं घर में या बनाते हैं खाना तो उससे कैसे साफ़ करेंगे, उसे लीपापोती कैसे करेंगे, किस चीज़ से करेंगे, किस चीज़ से करने से वहाँ पे भी कोई जर्म्स नहीं रहेंगे। आजकल क्या होता है, बच्चों को अगर बोला जाए गोबर का नाम सुन के आप शायद बोलेंगे छी गोबर। एक्चुअली मैं भी यही करती थी क्योंकि मुझे करना नहीं पड़ता था, तो मेरी माँ करती थी, वो सब लोगों को करते हुए देखती थी, लेकिन मैं नहीं करती थी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आपको अगर कभी भी ये सब करना पड़े तो ध्यान रखिएगा, इसका साइंटिफिक रीज़न यह है, दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये एक नेचुरल फिनाइल है, एक बहुत पवित्र चीज़ है, जिसमें कि मतलब क्या, हर पूजा पाठ में ये लगता है, घर में छिड़का जाता है, गंगा जल को जितना पवित्र माना जाता है गोबर को भी उतना पवित्र माना जाता है। और ये सच भी है, गोबर कौन सी चीज़ में नहीं लगता, सब चीज़ में, घर साफ रखने में, घर लीपापोती भी पहले होता था, अभी भी होता है। कोई भी शुद्ध काम करने से पहले गोबर को थोड़ा सा तो डाला जाता है पानी में घर साफ़ करने में, तो क्यों, क्योंकि बहुत पवित्र चीज़ है। स्पेशली साइंटिफिक रीज़न ये है, नेचुरल फिनाइल है जिससे कि जर्म्स मर जाते हैं, जर्म्स किल हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, बिना गोबर को ई आ ये बोलने के बजे हम देखते हैं वो कैसे हम इससे हमारे चूल्हे को साफ रखते हैं, चूल्हे को साफ़ सुथरा बना के उसे शुद्ध बनाते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमने रखा हुआ है लीपापोती करने के लिए चूल्हा, यहाँ पे कपड़ा इसके अंदर है, ये टोपी है जो यूज़ नहीं हो रहा था, सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं जो वर्कर्स, यहाँ पे हमारा कोई यूज़ नहीं हो रहा था तो ये काम दे रहा है हमारा। यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और ये कपड़ा है लीपापोती करने के लिए और ये है हमारा गोबर। अब हम इसमें पानी डालेंगे, अब इसको मिला लेंगे इसमें। अब हाथों से या कपड़े से किसी से भी मिला सकते हैं, अच्छी तरह से मिलने के बाद ये यूज होगा। अब ये रेडी है, चूल्हे को साफ करेंगे और इससे उसके ऊपर लीपापोती करेंगे। ये देखिए हमारा चूल्हा, अब हम ये सब हटा देंगे डस्ट और इसके अंदर से वो जो राख है उसे निकालेंगे। ये देखिए, ये नारियल का एक हिस्सा है जिससे हमने नारियल निकाल लिया है। अब ये वाला वेस्ट नहीं होता, बहुत चीज़ों में यूज होता है। पहले क्या करते थे, पहले के ज़माने में इसमें एक लकड़ी जैसे लगा लेते थे और ये जो राख है वो निकालने में आसानी होती थी, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और मैं इससे निकाल रही हूँ वो जितना राख है। ये देखिए मेरा हो गया, अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कंपोस्ट होने। देखिए ये वाला पेड़ में चला जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स,
बंदर आ भी आ गए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गांव में, मेरे ससुराल में बंदर बहुत आते हैं। ये देखिए यहाँ पर बैठे हैं चारों तरफ से बंदर। ओफ, हमारे छत के ऊपर भी चढ़ गए, आप देख ही सकते हैं। देखिए सारा फल खा रहे हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए ऊपर से कुछ ऐसा ही दिख रहा है, उसका लुक सूखने के बाद और अच्छे आएंगे। अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो कोई बात नहीं, चूल्हा ऐसे ही दिखता है। और हमारा चूल्हा कुछ ऐसे डिजाइन का है, सूखने के बाद पूरा पता चलेगा। चलते हैं, सूखने देते हैं। सूखने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है चूल्हा, ये देखिए एकदम साफ।